बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। देखें, ये कहता है स्टेट व्हाट्स मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप या तो इक्वेशन से डिफाइन करें या फिर आप कहें कि द मोशन इन द ओसीलेटर हुज एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन। या तो ये लिखें या तो आप इक्वेशन लिख दिया करें कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को इक्वेशन को भी करें, वेयर ए इज एक्स एक्सप्लेन करें तीनों को, वेयर ए इज एक्सीलरेशन, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। फिर माइनस साइन को भी जरूर एक्सप्लेन किया करें कि माइनस साइन शोज दैट एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन, ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कि माइनस साइन शोज दैट एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब इसमें देखें, ये कह रहा है द वेरिएशन टाइम टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ टू ओसिलेटर्स पी एंड क्यू इज शोन इन फिगर 4.1। ये 4.1 इसीलिए कि गालबन ये जो है गालबन नहीं बल्कि हकीकतन ये क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर 42 का समर 2015 का, इस वजह से फिगर ये 4.1 दे रहा है। अच्छा, अब इसमें देखिए दो ओसिलेटर्स हैं। एक ख्याल से देखिएगा कि आप ओसिलेटर एक्सचेंज न करें। ये जो बोल्ड वाला है ओसिलेटर क्यू है और पी ओसिलेटर जो ये स्मॉल डॉटेड ओसिलेटर पी है, दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम होना चाहिए और है भी। आप देखें ये इधर से लेकर इधर तक आप काउंट करें तो वही ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 30 बॉक्सेस आ रहे हैं और ये भी 30 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो यानी टाइम पीरियड दोनों का सेम है और टाइम पीरियड दोनों का जो है मैं नोट कर लेता हूँ उधर कि ये 1.2 सेकंड्स का है टाइम पीरियड। देखें ये इधर दिखा रहा है 1.2 सेकंड्स का टाइम पीरियड है दोनों के लिए और डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स नॉट पी का पी ओसिलेटर जो है डॉटेड है। ये देखें ये अगर आप ये देखें ये एक जो है 0.2 का एक है क्योंकि 5 बॉक्स में 1 है तो ये 1 इधर रहा और या इधर से आप करें 0.2 का तो ये 2 ये रहा तो ये 0.2 हो गया तो बाकी 2.8 के ये बीच में तो 1.8 और ये बीच में तो 1.7 सेंटीमीटर है। पी का जो एम्पलीट्यूड है 1.7 सेंटीमीटर है, पी डॉटेड है और क्यू का जो है एक्स नॉट क्यू का ये पहले नोट कर रहा हूँ ये यकीनन देखिए 3 पर है 3 सेंटीमीटर है। ये दो चीज़ें इस ग्राफ से मिल रही हैं। अच्छा, अब देखें कि आगे अगर कुछ पूछता है तो वो देखते हैं। ये पूछता है द टू ओसिलेशन ईच हैव द सेम मास, ठीक है, अच्छा मास सेम है, यूज फिगर 4.1 टू डिटरमिन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू ओसिलेशंस, रेडियंस में दे रहा फेज डिफरेंस। देखिए फेज डिफरेंस को अगर आप पहले तो देखेंगे कि एक साइकिल में कितने बॉक्सेस हैं, एक साइकिल में जो बॉक्सेस हैं आप काउंट करें, मैंने पहले काउंट करके बताया था कि 30 दिखा रहा हूँ 30 देखिए 30 बॉक्सेस है, यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि 30 बॉक्सेस में जो है वो 2π रेडियंस है, ये आप लिखेंगे भी इस तरह। और फिर इनके पीक टू पीक बॉक्सेस देखें, ये पीक है और ये पीक है, कितने बॉक्स इसकी ये पीक है, बॉक्सेस का डिफरेंस देखिए 1 2 देखें ये 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है, तो 5 बॉक्सेस का रेडियंस में कितना आ जाएगा x, तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें x की वैल्यू वैल्यू करें तो x आ जाएगा 2π × 5/30, तो ये आ जाता है π/3 रेडियंस या 1.05 रेडियंस पर रेडियंस आ जाता है या π/3 की वैल्यू 3.142 डिवाइड करें तो। अच्छा, फिर उसके बाद मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ओसिलेटर क्यू,
क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन करनी है। तो आप देखें, सबसे पहले तो आपका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड है 1.2 सेकंड्स। तो इसकी जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन के ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा बराबर होगा 2π/T के, तो यह आ जाएगा 2π/1.2, तो ये हमारा आ जाएगा 5.24 रेडियंस पर सेकंड को ओमेगा। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो बस मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 5.24 का स्क्वायर एक्स नॉट क्यू का मैंने लिख दिया। देखें क्यू का मैंने लिखा है, क्यू का है 3 सेंटीमीटर, और वाक्य देखें क्यू ये है बोल्ड वाला है, 3 सेंटीमीटर है क्यू का। ये थोड़ा सा बच्चे गलती कर सकते हैं इसमें, 3 सेंटीमीटर का मकसद है 3×10^-2 सेंटीमीटर्स में है। ये करें एक्सीलेशन, तो इसकी एक्सीलेशन आ जाती है 0.82 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो अच्छा, अब आप देखें कि उसके बाद है द रेशियो मैक्सिमम काइनेटिक ऑसिलेटर ऑफ क्यू अपॉन मैक्सिमम काइनेटिक ऑसिलेशन ऑफ क्यू। पहले तो आप स्टेट करें कि जो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम होती है, एक ही बात है, और जो टोटल एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ होती है, एक्स नॉट स्क्वायर के साथ होती है प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट हम देखेंगे बस इसका रेशियो, इसका क्यू का जो उस एम्पलीट्यूड है वो 3 सेंट रेशियो है, तो सेंट में कैंसिल हो जाएगा, 3 ले लें, 3 का स्क्वायर अपॉन ये है 1.7 का स्क्वायर, ये करें तो यह आता है 3.1, ये 3.1 ही होगा रेशियो 3.1। अच्छा 3.1:1 भी लिख सकते हैं, 3.1:1 भी लिख सकते हैं, या 31:10 भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, 3.1 काफ़ी है। फिर ये कहता है यूज डेटा फ्रॉम फिगर बी टू स्केच ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर 4 द वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द एक्सीलेशन ए ऑफ द ऑसिलेटर क्यू। क्यू की ऑसिलेशन में आपको बता रहा हूँ कि इसका ग्राफ अगर आप निकालेंगे तो ये ये -3 सेंटीमीटर दरे, ये +3 सेंटीमीटर दरे, यकीनन ये एक्सीलेशन जो होगी पासिंग थ्रू से होगी और ओरिजिन से, और ये होगा 0.82 और ये होगा इसके साथ बिल्कुल -0.82। तो ग्राफ दिया हुआ है क्योंकि मेरी थोड़ी सी बॉक्सेस काउंट करने में मुझे प्रॉब्लम होती है इसमें, तो मैंने पहले से ग्राफ निकाल के रखा हुआ है, ये -3 और ये +3 ओरिजिन से पास होगा, ये मैंने 1 लिया तो तकरीबन 8 बॉक्सेस ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और देखिए ओरिजिन से पास करेगी -3 के लिए ये प्लस की एक्सीलरेशन होगी, और प्लस यानी और ये +3 एम्पलीट्यूड के लिए माइनस की एक्सीलरेशन होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन इसका नेगेटिव ग्रेडियंट होना चाहिए। तो ये हमारा समर 2015 का पेपर 42 का क्वेश्चन नंबर 4 था।